स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। देखिए, अरबों खरबों डॉलर का मालिक एक क्रिप्टो के दिन रात प्रलय को मात देने के सपने देखता था। उसे यकीन इस बात का था कि वो कयामत के दिन मुट्ठी भर लोगों के साथ जिंदा बच जाएगा और इसके लिए वो क्रिप्टो किंग एक आइलैंड को खरीद कर वहां बंकर भी बनाने वाला था, लेकिन एक महाघोटाले ने उसे जेल के पीछे पहुंचा दिया। एक दिन में वो खरबपति बैंक करप्ट हो गया। देखिए क्रिप्टो किंग के कयामत वाले बंकर पर ये दिलचस्प रिपोर्ट। सैम बैंकमैन फ्राइड, इस चेहरे को शायद आप नहीं पहचानते होंगे, लेकिन कुछ वक्त पहले क्रिप्टो वर्ल्ड में इसे किंग माना जाता था। एक वक्त पर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अफिलिएटेड क्रिप्टो ट्रेडिंग कंपनी थी, लेकिन सैम बैंकमैन ने अरबों डॉलर का फ्रॉड कर दिया, जिसकी वजह से अब वो जेल में है। डेलावेयर की अदालत में कानून के सामने सैम बैंकमैन की जालसाजी का हिसाब किताब हो रहा है। ताजा कोर्ट फाइलिंग में इस सुपर फ्रॉड क्रिप्टो किंग के बारे में जो खुलासा किया गया है, उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। 31 साल के सैम बैंकमैन फ्राइड के खिलाफ 20 जुलाई को जो नया केस दर्ज हुआ है, उसमें जिक्र है कि सैम नाउरो नाम के एक द्वीप को खरीद कर वहां एक बंकर बनाना चाहता था। ऐसा बंकर जो प्रलय या डूम्सडे के वक्त इंसानों को बचाने में सक्षम हो। सैम बैंकमैन वहां एक जेनेटिक लैब भी बनाना चाहता था, जहां आनुवंशिकी से जुड़े एक्सपेरिमेंट किए जा सकें। सैम पर आरोप है कि उन्होंने बिना किसी को बताए एफटीएक्स से उसकी ट्रेडिंग आर्म्ड अल्मेडा रिसर्च में $10 बिलियन के कस्टमर फंड ट्रांसफर किए थे। गड़बड़ी पकड़ी गई तो फ्राइड की $16 बिलियन की वेल्थ महज कुछ ही दिनों में खत्म हो गई। लेकिन इस क्रिप्टो किंग का बंकर कनेक्शन हैरान करने वाला है। सवाल है कि आखिर क्यों सैम को लगता था कि कयामत आने वाली है। इन सवालों का जवाब जांच में शायद पता चल जाए। अब आप ये जान लीजिए कि सैम ने कयामत वाला बंकर बनाने के लिए नाउरू आइलैंड को ही क्यों चुना था। नाउरू दुनिया का सबसे छोटा आइलैंड स्टेट है। पैसिफिक ओशन के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में बसे इस द्वीप की आबादी 11,000 से भी कम है, जो कि सिर्फ 21 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में रहते हैं। 90 के दशक में नाउरू की पहचान मनी लॉन्ड्रिंग के जन्नत के तौर पर होने लगी थी। वैसे रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से दुनिया में परमाणु हमले से बचाने वाले बंकर पर बहस तो छिड़ी है। दुनिया न्यूक्लियर वॉर के खतरे के करीब पहुंची है। युद्ध के बीच पुतिन कई बार परमाणु हमले की धमकी दे चुके हैं, लेकिन सैम के मन में कयामत वाले बंकर का विचार कहां से आया, कब से आया, कैसे आया, ये शायद सिर्फ सैम को ही पता है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।